मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बनी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है। लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सेना को भी अब मैदान पर उतार दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी इंसानों के साथ जंगली जानवरों की तरह इस प्राकृतिक आपदा से बचने में जुटे हुए बात कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा की, जहाँ वन विभाग ने 16 बंदरों को रेस्क्यू किया है। ये बंदर ग्वारी गांव की शेड नदी के बाढ़ में करीब 3 दिन से फंसे हुए थे। इस रेस्क्यू को वन विभाग तेंदुखेड़ा से राजेंद्र सिंह लोधी ने अपनी वन विभाग की टीम को लेकर 16 बंदरों की सुरक्षित यहां से बाहर निकाला है। ग्वारी और राती करार, ये अपना करेली के अंतर्गत आता है, करेली तहसील के अंतर्गत। वहां पता चला कि ये बंदर 16 बंदर, ये जो नर्मदा जी और शेर नदी का संगम है, वहाँ बबूल की झाड़ है, उनके बीचों बीच फंसे हैं। तो छोटे बच्चों के कारण वो नहीं उतर पा रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, बल्कि वहाँ करेली का भी स्टाफ था, हमारी पूरी टीम तेंदुखेड़ा से जाकर उनको रेस्क्यू किया। उनको नाव से गए, उनको खाना आना दिया, उसके बाद उनको आराम से निकाल कर सुरक्षित किनारे में छोड़ दिया।